क्या अमेठी से होगी स्मृति रानी की विदाई? स्मृति रानी के प्रोग्राम में खाली रह गई कुर्सियां। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवार। हम सब जानते हैं कि 2019 की बीजेपी की बड़ी जीत में से सबसे महत्वपूर्ण जीत थी अमेठी से स्मृति रानी का जीतना, क्योंकि स्मृति रानी ने यहां से राहुल गांधी को हराया था। उस वक्त से लेकर अब तक स्मृति रानी लगातार अमेठी जाती रही हैं और वो ये दावा करती रही हैं कि लोगों का जो समर्थन है उन्हें हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि वो अमेठी की बेटी हैं। लेकिन हाल के दिनों में दोस्तों, स्मृति रानी का अमेठी जाना बहुत सारे विवादों को भी जन्म दे गया था। याद है ना आपको, स्मृति रानी ने अभी कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर को बुरी तरह से हड़का दिया था। उनकी शिकायत करने की बात दी गई थी, बाद में उस बेचारी की नौकरी चली गई थी। इसके अलावा मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें संजय गांधी हॉस्पिटल के कर्मचारी रोते हुए लगातार स्मृति रानी से गुहार लगा रहे थे। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि अमेठी से स्मृति रानी का पत्ता साफ हो गया है। दोस्तों, यूपी कांग्रेस ने एक दिन पहले ये वीडियो ट्वीट किया, जरा इसको गौर से देखिए, क्योंकि ये जो तस्वीर है, ये जो वीडियो है, अकेले केवल केंद्रीय मंत्री स्मृति रानी के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी टेंशन लाने वाला है। क्योंकि जिस कार्यक्रम में खुद केंद्र की मंत्री, इतनी लोकप्रिय सांसद स्मृति रानी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हो और मंच से बोल रहे हो, उस कार्यक्रम में एक खाली कुर्सियां कर क्या रही हैं? जरा गौर से सुनिए इस वीडियो को, जिसमें आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आवाज भी सुनने को मिलेगी। दोस्तों, ये जो वीडियो है, साफ दिख रहा है कि ये मंच से पीछे का वीडियो लिया गया है। आगे आपको कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन पीछे का जो हिस्सा है वहां खाली कुर्सियां ही दिखाई दे रही हैं। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जब अमेठी में इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, स्मृति रानी जो कि एक टीवी का भी लोकप्रिय चेहरा रही है, बीजेपी की एक तरह से स्टार प्रचारकों में से एक रही है, उनकी मौजूदगी है, सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है, उसके बावजूद भी ये खाली कुर्सियां अपने आप पे कई सवाल खड़े करती है। क्योंकि ये कार्यक्रम देखकर लग रहा है कि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है, बहुत बड़ी कोई चुनावी रैली टाइप का कार्यक्रम नहीं है। तो बड़ा सवाल ये कि जिस कार्यक्रम में खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्मृति रानी मौजूद हैं, क्या कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में ये खाली कुर्सियां भरने लायक भी भीड़ नहीं जुटा पाए? और अगर नहीं जुटा पाए तो फिर ये किसके लिए बड़ी मुसीबत है? इस वीडियो को पोस्ट करते हुए यूपी कांग्रेस ने कहा, जोगी बाबा आज अमेठी पहुंचे थे, मौका था सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण का, मौके पर एक्सीडेंटल सांसद महोदया भी मौजूद थी, साथ ही भाजपा के तमाम नेता भरे पड़े थे, लेकिन कार्यक्रम स्थल का पंडाल आधे से ज्यादा खाली था, आधे से ज्यादा कुर्सियों पर लोग नहीं थे। अब मुख्यमंत्री जी, महारानी जी और बाकी सबों को भी आश्चर्य तो समझ आ ही गया होगा कि अमेठी में उन लोगों को विदा करने का मन बना लिया है। दोस्तों, एक तरफ ये तस्वीर है और एक तरफ आज की ही ये तस्वीर है जो कि आई है मिजोरम से। दोस्तों, मिजोरम उन 5 राज्यों में से एक है जहां अब कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं, और मिजोरम में अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करने के लिए, पार्टी का प्रचार करने के लिए कुछ इस तरह से राहुल गांधी जब सड़कों में निकले तो उनको देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। एक लड़की तो उनके साथ फोटो लेते हुए भावुक हो गई, जबरदस्त तरीके से सड़कों पर भीड़ दिखाई दी। यहां पर कोई लाव लश्कर नहीं था, कोई कुर्सियां नहीं लगी थी, कोई खड़े होने का कार्यक्रम नहीं था, बस राहुल गांधी चल रहे थे और उनके साथ उनका हुजूम चल रहा था। तो बड़ा सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो परसेप्शन राहुल गांधी का बदला है, क्या वो अमेठी में स्मृति रानी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है 2024 के चुनाव में? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।